आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां राजधानी लखनऊ में दिखा तेंदुए का आतंक। थाना गुड़म्बा क्षेत्र पहाड़पुर के पास दिखा तेंदुआ। पूजा नर्सिंग होम की गली में देखा गया तेंदुआ। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ तेंदुआ। स्थानीय लोगों में दिखा तेंदुए का खौफ। बड़ी खबर सामने आ रही है जो राजधानी लखनऊ में दिखा तेंदुए का आतंक। थाना गुड़म्बा क्षेत्र पहाड़पुर के पास दिखा तेंदुआ। पूजा नर्सिंग होम की गली में दिखा तेंदुआ। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ तेंदुआ। स्थानीय लोगों में दिखा तेंदुए का खौफ। राजधानी लखनऊ में दिखा तेंदुए का आतंक। थाना गुड़म्बा क्षेत्र पहाड़पुर के पास दिखा तेंदुआ। पूजा नर्सिंग होम की गली में दिखा तेंदुआ। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ तेंदुआ। स्थानीय लोगों में दिखा तेंदुए का खौफ। राजधानी लखनऊ में तेंदुए का कहर देखने को मिला। लोगों में दिखा तेंदुए का खौफ। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, कितने बजे की ये घटना बताई जा रही है जब तेंदुआ देखा गया राजधानी में? जी, आपको बता दें कि थाना गुड़म्बा क्षेत्र में कल सुबह लगभग 4 बजे करीब तेंदुआ दिखा है। आपको बता दें कि पहाड़पुर चौराहे के पास जो नर्सिंग होम एक पड़ता है, वहां पे तेंदुआ दिखा। वहां पे मौजूद लोगों ने अपने फोन से वीडियो ही बनाया और सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। आपको बता दें कि वहां तेंदुआ देखे जाने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज आता है तो इसकी पुष्टि भी हो गई जी। और ये पहाड़पुर चौराहे के पास स्थित एक नर्सिंग होम है, वहां तेंदुआ दिखा जी। विभांशु, ये जानना चाहेंगे कि क्या इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई, तेंदुए को पकड़ा गया या नहीं? जी, आपको बता दें कि देर रात जब तेंदुआ फिर निकलता है तो वन विभाग की टीम भी वहां पहुंच जाती है रेस्क्यू के लिए, लेकिन अब तक रेस्क्यू हो नहीं पाया है। तेंदुआ अब तक 3 स्पॉट पे दिख चुका है जी। विभांशु, कितने लोगों के ऊपर हमला कर चुका है ये तेंदुआ? अब तक किसी के ऊपर हमला नहीं हमले की कोई सूचना नहीं है, मगर हमला हो सकता है जी। इस पे क्या कहते हैं, प्रशासन को पूरा मुस्तैदी से तेंदुओं को पकड़ना चाहिए कि कोई हादसा ना हो सके जी। बिल्कुल, जिस तरह से विभांशु यहाँ पे मौजूद दिख रहे तस्वीरों में इंसान और इंसानों के ऊपर कूदता हुआ भी दिख रहा है तेंदुआ, तो कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे जब सड़क पर ये तेंदुआ देखा गया? जी, आपको बता दें जहाँ तेंदुआ ये कूद रहा है वो नर्सिंग होम है, और उस जगह पे तमाम पेशेंट कुछ आ रहे थे। जहाँ सूचना मिली कि कुछ पेशेंट अंदर जा रहे थे, इसी दौरान उनके जो साथ में उनके घर के थे, तो वो लोग तेंदुआ आता है तो वहाँ मौजूद डंडे से उसे मारते हैं, तो तेंदुआ पास की गली में जाके छिप जाता है। तो जब सूचना वन विभाग को मिलती है, वन विभाग की टीम आती है, तो काफी खोजबीन के बाद भी तेंदुआ मिलता नहीं है, लेकिन दोपहर में फिर तेंदुए की सुगबुगाहट मिलती है, जिसके बाद वहां पे वन विभाग की टीम ने वहां डेरा डाल दिया है। उस मोहल्ले में अब तक मिला नहीं है, और आसपास के भी मोहल्ले में भी चेतावनी दे दी गई है, और वन विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी से उसे ढूंढ रही है। विभांशु, ये जानना चाहेंगे कि क्या पहले भी इस तरह की घटना देखने को मिली है, कोई जंगली जानवर इस इलाके में आया है? अगर आया है तो कौन, किस जगह से आ पाया है? जी, पास में जो वन क्षेत्र पड़ता है गुड़म्बा थाना क्षेत्र, वहाँ पे आए दिन तेंदुआ आता है, क्योंकि जंगली इलाका होने के तौर पे, और लखीमपुर से लगभग वहाँ की दूरी जो है 120-130 किलोमीटर पड़ती है, तो पीछे जो खेतों के रास्ते आए दिन गुड़म्बा में वो वन क्षेत्र भी पड़ता है, और आए दिन वहाँ तेंदुआ आता रहता है। माना जा रहा है कि ये तेंदुआ लखीमपुर साइड से ही आया है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। गोंडा में कोरोना वायरस की फिर से दस्तक। एक स्कूल की 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव। 4 छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप।
सभी छात्राएं बेलसर ब्लॉक की रहने वाली। छात्राओं को जांच के लिए भेजा गया अस्पताल। टेस्टिंग सैंपलिंग के साथ शुरू हुई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। गोंडा में कोरोना वायरस की फिर से दस्तक। एक स्कूल की चार छात्राएं कोरोना पॉजिटिव। चार छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप। सभी छात्राएं बेलसर ब्लॉक की रहने वाली। छात्राओं को जांच के लिए भेजा गया अस्पताल। टेस्टिंग सैंपलिंग के साथ शुरू हुई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी पुलिस को मिला नया बैच। सिपाही से लेकर डीजीपी तक लगाएंगे बैच। 1 जनवरी से लगाना होगा नया बैच। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी पुलिस को मिला नया बैच। सिपाही से लेकर डीजीपी तक लगाएंगे नया बैच। तो बड़ी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। AIFTP के राष्ट्रीय सम्मेलन का होगा समापन। आज होगा 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन। CBDT चेयरमैन, CBIC चेयरमैन रहेंगे मौजूद। यूपी कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां AIFTP के राष्ट्रीय सम्मेलन का होगा समापन। आज होगा 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन। CBDT चेयरमैन और CBIC चेयरमैन भी रहेंगे मौजूद। यूपी कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन भी रहेंगे मौजूद। मुरादाबाद निवासी जैनुल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 65 किलोमीटर दौरी पूरी देश में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। जैनुल ने लगातार 12 घंटे तक दौड़ लगाई। मुरादाबाद निवासी जैनुल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 65 किलोमीटर दौड़ पूरी कर देश का नाम किया रोशन। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम कराया दर्ज। जैनुल ने लगातार 12 घंटे तक लगाई दौड़। बड़ी खबर सामने आ रही है। मुरादाबाद निवासी जैनुल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 65 किलोमीटर दौड़ पूरी कर देश का नाम किया रोशन। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम कराया दर्ज। बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम संबोधन। गोवा हिमाचल प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन। जल्द ही DNA वैक्सीन की होगी शुरुआत। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। 3 जनवरी से बच्चों को लगेगी वैक्सीन। बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 जनवरी से कोरोना वॉरियर्स को लगेगा बूस्टर डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन। गोवा हिमाचल प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन। जल्द ही DNA वैक्सीन की होगी शुरुआत। बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। DRDO के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे CM। ब्रह्मोस और DRDO लैब का शिलान्यास कार्यक्रम होगा। कानपुर रोड के चिल्लाओ ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। DRDO के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे CM योगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। ब्रह्मोस और DRDO लैब का शिलान्यास कार्यक्रम। कानपुर रोड के चिल्लावा ग्राउंड में होगा ये कार्यक्रम। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। DRDO के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे CM योगी। ब्रह्मोस और DRDO लैब का शिलान्यास करेंगे CM योगी। कानपुर रोड के चिल्लाओ ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज दौरे पर जाएंगे CM योगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का करेंगे शिलान्यास। 31 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को देंगे प्रमाण पत्र। प्रयागराज दौरे पर जाएंगे CM योगी। बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का करेंगे शिलान्यास। 31 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को देंगे प्रमाण पत्र।
प्रयागराज दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना का करेंगे शिलान्यास। लखनऊ में कांग्रेसियों का प्रदर्शन, पुलिस कमिश्नर आवास पर किया गया प्रदर्शन, मैराथन रैली रद्द किए जाने से कार्यकर्ताओं में रोष, कांग्रेसियों ने योगी के कार्यक्रम पर उठाए सवाल। योगी के कार्यक्रम में धारा 144 नहीं लागू, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का आरोप, कांग्रेस के कार्यक्रम रोके जा रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेसियों का प्रदर्शन, पुलिस कमिश्नर आवास पर किया प्रदर्शन, मैराथन रैली रद्द किए जाने से कार्यकर्ताओं में रोष। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, 28 से दौरे पर आएंगे चुनाव आयुक्त समेत 28 लोग, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ करेंगे बैठक, नोडल अधिकारी के साथ करेंगे बैठक। लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, 28 से दौरे पर आएंगे चुनाव आयुक्त समेत 28 अधिकारी, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ करेंगे बैठक। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।